राजा क्रांति वर्मा की नई आज्ञा सुनी। उनकी आज्ञा है कि इस वर्ष से भगवती चंडिका के महायज्ञ में नरबलि और पशुबलि बंद कर दी जाए। ताज्जुब से क्या देखते हो, अच्छी तरह सुन लो। तुम्हारा राजा सुधार की आड़ में धर्म के महावृक्ष को जड़ से उखाड़ डालना चाहता है। जानते हो इस अनर्थ का जिम्मेवार कौन है? तुम। हम? हाँ, तुम। पिछले दो वर्षों से तुम्हारे धर्म पर बराबर कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है और तुम चुपचाप सहन कर रहे हो। तुम्हारी कमजोरी ने ही राजा को मदहोश बना दिया। तुम्हारी थाह पाने पर ही राजा को ऐसी आज्ञा देने का साहस हुआ। भगवती चंडिका के महायज्ञ में बलि तर्पण न हो और तुम इस जुल्म को। नहीं, हम इस जुल्म को सहन नहीं कर सकते। नरबलि बंद और पशुबलि भी बंद। मालूम होता है महाराज ने धर्म की नींव ही खोदने का बीड़ा उठा लिया। इसमें शक क्या है? जब प्रजा एक बार जुल्म बर्दाश्त कर लेती है तो राजा को बार बार जुल्म करने का हौसला हो जाता है। क्रांति वर्मा इसी प्रकार मदहोश होता चला जाएगा। यदि महाराज पर प्रजा की नाराजगी जाहिर की जाए तो क्या वे ख्याल न करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस विषय में
मैंने उनसे क्या नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं कि बलि मांगने वाली क्रूर देवी को हम देवी नहीं मानते। आप क्या कह रहे हैं? देवी के बलि नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो देवता प्रसन्न नहीं, और देवता प्रसन्न नहीं तो प्रजा का कल्याण नहीं। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं तो स्वर्ग में तुम्हारे बुजुर्गों की रूहें बेचैन होकर तुम पर लानत भेजेंगी। पुण्यमान ऋषि महर्षि तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे और तुम्हारी औलाद इस खोए हुए धर्म के लिए तुम्हारी बेवकूफी पर आंसू बहाया करेंगी। तो बोलो, देवी देवता का नाश या राजा का नाश? नास्तिक राजा का नाश, दर्पण बंद करने वाले पापी राजा का सत्यानाश। श्री चंडिके की इच्छा। भगवती स्वयं तुम्हारी ही जबान से बोल रही है। देखें, राजवध के इस महाकार्य के लिए देवी किसे आज्ञा करती है। चंडिके की आज्ञा। धर्म, तू बड़ा भाग्यवान है, तुझ पर देवी प्रसन्न हुई। जा, धर्म की रक्षा के लिए भगवती की आज्ञा पालन कर, किंतु सावधान, जरा भी चूका तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, तेरी सात पुष्ट घोर नर्क में जा पड़ेंगी। महाराज क्षमा करें, लोगों का कहना है कि धर्म में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं। राजगुरु भी कहते हैं कि मंत्री, मुझे विश्वास है कि मैं धर्म में दखल नहीं दे रहा हूं। राजगुरु तो कहते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि नरबलि की जगह राजगुरु की और पशु बलि की जगह तुम्हारी किसी की आहुति दी जाए तो क्या राजगुरु या तुम तैयार होगे? मैं नहीं समझता ये जगन माता कहलाने वाली देवी के नाम पर उसके बेकसूर बच्चों का खून बहाना
कहां का धर्म है। किंतु राजन, इस पुराने रिवाज को रिवाज एक कैसा रिवाज। मंत्री, धर्म को बदनाम कर देने वाले रिवाजों को खत्म कर देना ही हमारा निश्चय है और हम उस पर अटल हैं। महाराज, बार बार प्रजा के मर्जी के खिलाफ उसके पुराने रिवाज तोड़े जाने से वो नाराज तो हो ही रही है, उस पर ये नई आज्ञा तो अग्नि में घी का काम करेगी। जैसी चंडिका की इच्छा, लोगों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए हम भगवती से प्रार्थना करेंगे। प्रजा को सद्धर्म की शिक्षा देने के लिए हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं। जाइए, महायज्ञ की तैयारी हमारी आज्ञा अनुसार कीजिए। जय श्री राम। बहन सुमित्रा, मैं डर जू गई। डर गई? डर कर भी ये हिम्मत? लेकिन मैं डर गई, आखिर औरत हूँ, इंसान ही तो हूँ। अरे इंसान, औरतों की भी इंसानों में गिनती है। नहीं तो
इनमें हैं। वो लंबे कान वाले जानवरों में। अपना है बुरे वाला, अपना है बुरे वाला, चंचल हृदय मूढ़ अनारी, चंचल हृदय मूढ़ अनारी, चंचल हृदय मूढ़ अनारी। मिथ्या भाषी मतवारी, मिथ्याभाषी मतवारी, अबला है बुरी बला। भीरू कुटिला नागन कारे, भीरू कुटिला नागन कारे, सारे नारे कलिहारे, सारे नारे, सारे नारे कलिहारे। अबला है, अबला है बुरी बला, बुरी बला, अबला है बुरी बला। सुमित्रा, मेरे बिछोने पर औरत कौन सो गई है? सुमित्रा, बोलती नहीं? इंसानियत से गिरी हुई औरत से क्या पूछते हो? किसी मर्द इंसान से पूछो। बहन, बताओ ना, हमारी बहन बड़ी समझदार है। औरत और समझदार, और आप जैसे समझदार मत कहें। मीठी नेरी मिठी। शरीफ कहलाने वाले मर्द पराई औरतों को हाथ लगाने की बेशर्मी करते हैं। की हंसी उड़ाती है। अच्छा, आने दे पिताजी को, उनसे कहूंगा। सुमित्रा बड़ी सयानी है। हाँ हाँ, सयानी हो गई है। उसकी शादी करके जल्द घर से निकाल दो। जाओ, मैं पिताजी की लाडली बेटी हूँ, वो मुझे नहीं तुम्हें ही निकाल देंगे। चल चल, मैं बेटा हूँ बेटा, मेरे सामने तेरी क्या हस्ती। बेटी कितनी ही प्यारी हो, है तो दूसरे की अमानत। पिताजी, बेटी अच्छी या बेटा? बच्चों, आदमी को जैसे अपनी दोनों आंखें प्यारी हैं, वैसे ही माँ बाप को बेटा
और बेटी दोनों ही समान जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र की रूह से बाप के मरने के बाद उसके शरीर को अग्नि देने का बेटे को ही हक है, वरना मरने वाले की रूह भटकती रहती है। ऐसे अपशकुन की बातें मैं नहीं पूछती, क्या कहने लगे? बेटी, श्री चंडिके की इच्छा से सब होता है। अच्छा, बहुत रात हो गई, जा देवी की प्रार्थना करके सो जा। जा काम करने की आज्ञा दी है, मैं उसे पूरा करने जा रहा हूं। तुम इस पत्र को देखते ही इस घर को छोड़कर कहीं छुपकर दिन बिताना। शाम को स्मशान के नजदीक दीपमाल के पास मुझे मिलना।
करने वाले अधर्मी देवी को आखिरी प्रणाम का। भगवती भगवती राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी, यही दुष्ट राजा के खून का कारण है। देखो अब मूर्छ माता है। चंडा अपना बचाव करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाता है। ले जा मेरे सामने से इस राक्षस को। राजगुरु, ये दुख मैं कैसे सहन करूं? पिताजी, श्री चंडिके की इच्छा। राजकुमारी, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, सब्र करो। अब तुम ही इस राज्य की मालिक हो, इसे संभालो और धर्म का पालन करो। मंत्री, सेनापति, जाओ, लोगों को शांत करो और ऐलान कर दो कि आज से मोहिनी रानी राज्य करेंगी।
जल्दी निकल जाओ, यशोधर्म ने राजा का खून कर दिया। वो देखो राजदूत आ रहे हैं, तुम्हें गिरफ्तार न कर ले। भागो भागो। कहाँ है यशोधर्म की औलाद? देखो गिरफ्तार करो। अभी तक नहीं मिले, सब क्या कर रहे हैं? यशोधर्म के बच्चे जरूर मिलेंगे, देखो ये सबूत। इसके पढ़ने से उनका पता लग जाएगा। जरूर था, उसे मैंने पढ़ा। तो क्या लिखा था? पढ़ा नहीं, पढ़ने की कोशिश की, मगर मेरे उस्ताद का पढ़ाया हुआ इसमें एक भी हरूफ न निकला, इसलिए सब घोटाला हो गया। वाह वाह, तुमको तो राज पंडित बनाना चाहिए। लिखा हुआ तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कोरा पत्र पढ़ने वाले तुम एक ही विद्वान हो। जा मूर्ख। यशोधर्म के बच्चों का पता नहीं चलता, शायद वो कहीं निकल भागे। अच्छा चलो। मगरी हंस के भैया
यही है, लेकिन पिताजी तो यहाँ नहीं हैं। आते होंगे। एक दो लाश उधर। उस लाश की बूटी बूटी जब तक भेड़िए और कुत्ते न चबा जाएं, तब तक उस पर सख्त पहरा रहें, समझे? लाश पर पहरा? हाँ, पहरा, पहरा में होगा तो मुर्दा भाग जाएगा। लेकिन ये लाश है किसकी? उसी बागी यशोधर में। सुमित्रा मत रो, दिल को पत्थर बना ले, नहीं तो पता लग जाएगा और हम दोनों भी। रू नहीं तो क्या करूं भैया? तुमने सुना, पिताजी की लाश कुत्तों और भेड़ियों को बिकवा दी गई है। इसी तरह पिताजी की लाश को अग्नि दी जाए, नहीं तो उनकी रूह भटक भी करेगी। किसी ने सही क्या कर, पिताजी ऐसे अपशकुन की बातें कर रहे थे। बहन, सुमित्रा तुम्हें एक मुश्किल काम करना पड़ेगा। तुम उधर जाकर कुछ गाने लगो। क्या? गाना सुनने से सिपाहियों का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा और मुझे लाश उठाने का मौका मिल जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त कैसे गाऊं? बहन, पिताजी को अग्नि न मिली तो उनकी रूह भटकती फिरेगी। रूह भटकेगी ठीक। दिल के आदमा
पड़ी गोद में बादल की मचल गरम बदली देखो देखो सखियों कैसी छाई बादल अंधेरा छा गया पर्दे में आप ताब हुआ पड़ा वो पानी के बादल भी आप ताब हुआ गुजर गया गुम हो गई जल्दी सरदार को खबर करें को बहका कर दूसरी तरफ ले जाता हूँ यहाँ से नदी की बहुत पर है वहाँ केदार भिक्षु मेरा मित्र है तुम उसके पास चले जाओ और तुम मेरी फिक्र न करो जाओ जल्दी जाओ मिल गया दौड़ो चलाओ जल्दी आओ मैं नहीं हूँ चलो दूसरी तरफ चलो मुझसे पहले राजपथ करवाकर फिर धोखा किया अगर वो जीता रहा तो कितने ही ऐसे अनर्थ इस दुनिया में करेगा भाग्य से जो ये तेरे हाथ में पड़े तो बेटा उसको इस पाप की सजा तेरे ही हाथ से मिलना चाहिए कहाँ ये मिला जहाँ माधवगुप्त को पकड़ा तो उसने पढ़ ही लिया होगा जी हाँ धर्म की रक्षा के लिए राजपथ का किस्सा छुपा ही रहना चाहिए इसलिए माधवगुप्त को इस
दुनिया से। मालूम होता है कि रानी मोहिनी भी अपने बाप के ही रास्ते पर चलेगी। देखो, मैंने उसे समझाया तो है, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। श्रीमती महारानी मोहिनी देवी की जय जयकार। राजगुरु, मंत्री तथा प्रजाजन, श्री चंडिके की इच्छानुसार हम इस राज्य पद को मंजूर करते हैं। गो पिताजी की मृत्यु के कारण हमारा चित्त व्याकुल हो रहा है, फिर भी देवी की आज्ञा से पुराने नियमों के अनुसार इस राज्य को चलाना है हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान और इंसाफ पसंद राजा थे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं की तरह हम भी प्रजा की भलाई का ध्यान रखेंगे। उन्होंने भगवती चंडिका के महायज्ञ में पशु बलि और नर बलि बंद की थी और हमारा भी। रानी, क्या कह रही हो? अच्छा ठहरो, तुम्हारे विचार मैं सबको अच्छी तरह समझाता हूं। भाइयों, रानी मोहिनी की बातों से तुम लोग शंका में न पड़ो। मैं राजगुरु की हैसियत से उनके ख्यालात जाहिर करता हूं। तुम लोगों के धर्म में रानी कुछ भी दखल देना नहीं चाहती, इसलिए श्री चंडिका के महायज्ञ में हमेशा की तरह नरबलि और पशुबलि दी जाएंगी। लेकिन राजगुरु, यज्ञ में नरबलि? धर्म में दखल देने से ही महाराजा क्रांति वर्मा का, स्वयं तेरे पिता का खून हुआ, यह भूल न जाना। मेरे कहने के खिलाफ न चलने में ही तेरी भलाई है। महारानी, बागी यशोधर्म का पुत्र माधवगुप्त पकड़ कर लाया गया है। ले जाओ, महारानी की पहली आज्ञा अनुसार उसे कत्ल कर दो। महारानी, मेरे कत्ल की वजह तो मुझे बता दी जाए। तेरे पिता ने महाराजा के खून का संगीन जुर्म किया है। मानता हूं, लेकिन उसकी सजा तो उन्हें मिल चुकी, फिर मेरा कत्ल क्यों? क्या महारानी तख्त नशीनी की खुशी में एक बेकसूर के खून से हाथ रंग कर अपने राज्य की शुरुआत करना चाहती हैं?
माधवगुप्त, बाप के कुकर्म का फल बेटे को भी भोगना पड़ता है। चुप, मैं तुझ जैसे टुकड़खोर से नहीं पूछता, सिर्फ महारानी का फैसला सुनना चाहता हूं। महारानी का यही फैसला है, समझा? हां समझा, कि अवंतीपुरी के नया सिंहासन पर दूसरों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली के तरह एक मूर्ख रानी बैठी है, यह समझा? हमारा अपमान, सिंहासन आरूढ़ महारानी का अपमान, जाओ चढ़ा दो इसे सूली पर। लोगों, अपनी नई रानी का इंसाफ आके खोल कर देखो, उसे किसका छुपा किसको, वाला रानी बहुत बाबा तुम्हारी अजीब इंसाफ की दुनिया में फूल हो जाएगी। श्री चंडिके की इच्छा। रानी शांत, मेरे ख्याल में बजाय कत्ल करने के माधवगुप्त की महायज्ञ में बलि देना मुनासिब होगा। राजगुरु, श्री चंडिके की इच्छा, समझा? माधवगुप्त बेहुदा जरूर है, लेकिन अच्छे लक्षणों वाला है। भाइयों, रानी ने बलि यज्ञ को मंजूर करके अपना धर्म प्रेम प्रकट किया है। अब तुम लोग धूमधाम से महायज्ञ की तैयारी करो। का बहुत बुरा असर पड़ेगा। श्री चंडिके की लीला अपार है, यशोधर्म था ही बहुत भाग्यवान, तभी तो उसके पुत्र को बलिदान होने का मौका मिल रहा है। इसी से उसके कुल का उद्धार होकर माधवगुप्त को स्वर्ग मिलेगा। श्री चंडिके की कृपा। अगर अपनी तरफ के आदमी इसी तरह घटते गए तो हमारा पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस मंथन से क्या लाभ है। श्री चंडिके की इच्छा। मंथन के नाम से मुझे याद आया, पहले जमाने में एक बार समुद्र मथा गया था, उसका ध्यान करो। लड़ते लड़ते देवताओं का पक्ष बहुत कमजोर हो गया था, कितने ही देवता बलिदान हो गए थे, फिर भी वे निराश नहीं हुए और समुद्र से अमृत निकालने की बराबर कोशिश करते थे।
हमें भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मंथन करना ही चाहिए। अमृत पीकर अमर होने की आशा में पहले हलाहल पीना ही पड़ेगा। हमारे इस मंथन से निश्चय ही धर्म अमर हो जाएगा। श्री चंडिके की इच्छा ऐसी ही है, चिंता न करो। Yeah.
ये क्या अनर्थ? अनर्थ? अनर्थ इस समय तुम्हारे बोलने से ही हो जाएगा। हाँ, लो नरबलि को देवी के सामने। बच्चे, भगवती की प्रार्थना कर, तेरा भाग्य बड़ा है। सच है, आप ही मेरे भाग्य को ले लें। बड़ा नालायक मालूम होता है। हाँ, ये भी सच है। सुन लिया, जबान बंद कर, तेरा आखिरी वक्त है। देवी की प्रार्थना कर। माता चंडिके, अब मेरी आखिरी प्रार्थना यही है कि इस नाशकारी बलिदान के रिवाज को मटिया में करने के लिए मेरा बलिदान सबसे आखिरी हो। भगवती, हमारी महारानी को रहम और इंसाफ की ताकत दे, जिससे वो दूसरों के इशारे पर न चलकर अपनी ही बुद्धि से राज्य का इंतजाम कर सकें। तो रानी नहीं, कौन है ये? यशोधर्म की लड़की, माधवगुप्त की बहन। अच्छा, राजगुरु, रानी का कहीं पता नहीं लगता। हमने सब तरफ देख लिया और नरबली भी भाग गया। भाग गया नरबली? भाग गया? राजगुरु, ये लड़की तो पागल हो गई मालूम पड़ती है। रानी नहीं,
माधव गुप्त भी नहीं। भैया ले जाओ इस लड़की को, संभाल कर रखो। विश्वास गुप्त, चारों तरफ आदमी भेजकर होशियारी से चुपचाप रानी और माधव गुप्त का पता लगाओ। आज्ञा। और देखो, अगर किसी को ये मालूम हो गया कि रानी राजमहल में नहीं है तो खलबली मच जाएगी, इसलिए तुम सबको यही जाहिर करना कि रानी महल में है। सूख गई मोहिनी तेरी साड़ी। मोहिनी और तेरी? मोहिनी और मेरी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। समझी तेरा मतलब। हमारी शाम में तू तड़ाक से बोलते शर्म नहीं आती? ओहो, तू नहीं, आप तो महारानी है ना, गलती हुई। इस दास को क्षमा कीजिए। महामान्या महारानी श्रीमती मोहिनी देवी, आपकी साड़ी तो सूख गई ना। तुमसे एक शब्द भी बोलने की हमारी इच्छा नहीं। क्षमा कीजिए, ये मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि यहां आपकी इच्छा की कौड़ी भी नहीं उठती। हम यहां की महारानी हैं, मुंह संभाल कर बात करो। आप महारानी यहां जंगल में? नहीं, यहां आप और एक मामूली औरत में कुछ फर्क नहीं। घबराओ मत, भाग्य से आप तख्तो ताज की वारिस हो गई थी, लेकिन यहां ना तख्त है न ताज, इसलिए इस वक्त आप मुझसे भी मामूली हालत में हैं। तुम कुछ भी समझो, लेकिन यहाँ मेरा राज्य है, ये न भूल जाना। आप गलती पर हैं, यहाँ मेरा राज्य है और आप मेरी कैद में हैं, ये आप न भूल जाना। बेहुदा भिखारी। भिखारी? मेरा अपमान? मेरे राज्य में मेरा अपमान? महारानी, अपमान के बदले कत्ल की सजा का कायदा आप ही ने मुझे सिखाया है, क्यों नहीं? तो क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? क्या हर्ज है महारानी, तख्त पर बैठकर सूली चढ़ाने का हुक्म देते वक्त खुशी होती है ना? लेकिन उस वक्त उन बेकसों के दिल पर जो गुजरती है उसका अंदाजा कभी किया है? अब आप महसूस कर रही होंगी। तो देर क्या है, करो कत्ल। रानी, पिंजरे में बंद शेर को कंकर मारकर तमाशा देखना आप जैसी औरतों को ही शोभा देता है, लेकिन हाथ में आई हुई तितली को तिल भर भी कष्ट देना हम जैसे मर्दों को गवारा नहीं। तुम
मालूम होता है भूख लगी है। हाँ लगी है, पर तुम जैसे बेदर्दों को क्या? ये भूख जोर से लगी है। अच्छा अच्छा, कैसा ये खाना? कैसा खाना रानी? ये तो क्या, आपके राज्य में कितने ही गरीबों को पेड़ों के पत्ते खा खा कर गुजारा करना पड़ता है। पेड़ों के पत्ते कैसे खाते होंगे? पेट की आग, लेकिन उसे आप क्या जाने? क्यों, क्या वजह? वजह है आपको घेरे हुए ओहदेदार, वो प्रजा की तकलीफ जानने का मौका ही आपको नहीं देते। गरीबों की तकलीफों को जान सके तो मैं दावे से कहता हूं कि यही कण आपको अमृत के समान मीठा लगने लगेगा। उठा लीजिए वो कंद। थोड़ी देर गरीब ही बनिए और चखिए उसका मिठास। लगा मीठा? ओ ये दो पाया सौ भाग्य जानना, सो ये दो पाया सौ भाग्य जानना, दिल लकी सुधा नाई बिसारे सबके सगरे शोक दुख तारे। ओ ये दो पाया सौ आगे जानना, दुर्जन का चल जानता है, दुर्जन का सकल प्रजा जो सन्मानत है, तापर अपनो तन मन बारे। हो ये रूपया सभाग्य जानना, हो ये रूपया सभाग्य जानना, सगरे शोक दुख तारे। सो ये दो पाया सब भाग्य जानना। कल्याण सेनापति, राजमहल में हर तरफ मोदिर आदमी। आपकी आज्ञानुसार ही सब इंतजाम किया गया है, बेफिक्र रहिए।
श्री चंडिके की कृपा। रानी की कुछ खबर मिली? कोई खास खबर नहीं, लेकिन बहुत मेहनत से तलाशी चली है। पास के गांव के कुछ आदमी रानी से मिलने आए हैं। वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। कल्याण कल्याण। राजगुरु, हमारे गांव का सालाना यज्ञ बौद्ध भिक्षु होने नहीं देते। वो कहते हैं यज्ञ में पशु बलि न दो। ये भी कहते हैं कि पशु बलि देने की महारानी की आज्ञा ही नहीं है। बिल्कुल गलत। इसीलिए हम महारानी से मिलकर उनकी आज्ञा जानना चाहते हैं। लेकिन महारानी की तबीयत खराब है, इस वक्त उन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं। लेकिन महारानी के आज्ञा पत्र बिना बौद्ध भिक्षु हमारे कुछ न सुनेंगे। यहाँ के महायज्ञ में बिजली गिरकर जो गड़बड़ हो गई थी, उसकी मिसाल देकर अपने ही कितने आदमी कहते हैं कि बलि लेना देवी भी मंजूर नहीं करती, और बौद्ध भिक्षुओं ने तो बहुत ही जोर पकड़ रखा है। यह महारानी से ही मैं हुक्म जारी कराए देता हूं। उन भिखारियों से साफ कह दो कि यज्ञ में खलल डालने से पीछे पछताना पड़ेगा। क्या भगवती का यज्ञ बेफिक्री से करो, देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल्याण महारानी महारानी। Thank you.
कौन सा पक्षी बोल रहा है पहचाना? हाँ हाँ कौन सा? मनुष्य पक्षी। मालूम होता है हमारा ये जंगल का राज्य महारानी को बहुत पसंद आया। क्या नहीं पसंद आएगा, जंगल के इस बड़े राज्य में कितनी आजादी, कितनी खुशी मालूम होती है। ये हरी भरी झाड़ियाँ, वृक्षों से लिपटी हुई लता बेले, उन पर खिले हुए तरह तरह के फूल, शीशे की तरह चमकता हुआ साफ पानी, कितना सुंदर, कितना मनोहर है। स्वर्ग जिसे कहते हैं यही है। इतना आनंद होता है तुझे? अरे हाँ, भूल गया, महारानी से तू तरस से नहीं बोलना चाहिए ना, या ऐसे ही तू तरस से बोलो। इस जंगल के राज्य में मैं समझता हूँ इसी तरह बोलना अच्छा लगता है। क्या है पसंद? बोलती नहीं वो, समझा कि पसंद है। अनुशी नीव्रता खराब हो गई क्या? तुम उससे उब गई? हाँ उब गई। तो क्या करोगे फिर? क्या करूंगा, क्या करूंगा, बौद्ध मठ में जाकर भिक्षु हो जाऊंगा। सिर्फ यही? तो क्या खुदकशी करूं? ख्याल तो बुरा नहीं, जमीन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो मैं मर जाऊं यही तुम्हारा कहना है ना? ठीक है। पानी में गिरे हुए पत्थर के लिए इतना इतना रंजा। बिल्कुल नहीं, अगर जानती कि पत्थर पानी में गिरा है तो चिल्लाती नहीं। पत्थर तो पेड़ पर दिखाई दे रहा है। पत्थर, चलो बेटा पत्थर। कहाँ जाओगे? अपनी बहन के पास। बहन के पास? कहाँ है वो? है एक जगह। कौन सी जगह? तुझे नहीं बताऊंगा। तू है अवंती की रानी, कब खिलाफ होकर हम भाई बहनों को सूली पर चढ़वा दे, क्या पता। ऐसे ताने देना बेदर्द आदमी का ही काम है। मैं समझा तू मुझसे क्यों उठ गई, तुझे अपने राज्य की याद आती होगी। हाँ हाँ राज्य की याद आती है, मुझे जाना ही है राजमहल। चलिए महारानी, आपको राजमहल में ले चलने के लिए ही हम आए हैं।
आपकी तलाश में ही हम हैरान होते फिर रहे हैं। मैं अवंती जाना नहीं चाहती। महारानी, आप क्या कह रही हैं? आप सिंहासन पर न होंगी तो राजकाज कैसे चलेगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा और हम किसके सहारे रहेंगे? सच है, मुझे राज्य नहीं, सिंहासन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चला जा मेरे सामने से। लेकिन महारानी, तू मुझे रानी मानता है ना? तो मैं हुक्म देती हूँ कि तू वापस चला जा, मैं हरगिज नहीं चलूंगी। मेरा हुक्म नहीं मानता? मैंने जा कहा ना, जा जा। महारानी की हालत जानने के लिए लोगों में बहुत सनसनी फैली हुई है। मौजूदा राजकाज के बारे में भी उनके विचार अच्छे नहीं हैं। श्री चंडिके की इच्छा वो सब मंगल ही करेगी। नमो उद्धाराय। श्री चंडिका, श्री चंडिका, क्या गड़बड़ है? हमें महारानी से मिलना है। नहीं मिल सकते, महारानी बीमार हैं। महारानी बीमार? तो उस वक्त तक हमारे मठ के पास होने वाला बलि यज्ञ बंद रखा जाए? लोगों के धार्मिक काम नास्तिक लोगों की इच्छा अनुसार नहीं हो सकते। देवी का यज्ञ नहीं रोका जा सकता। तो महारानी से बिना मिले हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम उनकी इच्छा जानना चाहते हैं। मेरे भाई के पास मुझे ले चलो, वो मुझसे लूट गया है। मैं गाती हूँ, गाती हूँ। भिक्षुओं, यहाँ से चलते बनो। अगर ज्यादा गड़बड़ की तो ध्यान रखो कि बलि यज्ञ मठ के पास नहीं बल्कि मठ में ही किया जाएगा। भगवान हमारी रक्षा करें। अच्छा, हम दो दिन के बाद रानी से मिलकर फैसला कर लेंगे। नमो बुद्धाय। श्री चंडिका, श्री चंडिका। धारियों में हरेक आदमी बहादुर और मौतबीर है। मौका पड़ने पर कोई भी पीछे पांव न हटाएगा। श्री चंडिके की कृपा। राजमहल में माकूल इंतजाम रखो। कोई भी मेरे आज्ञा पत्र बिना आने जाने न पावे। आप लोग महारानी से मिले? नहीं, वो कहते हैं महारानी बीमार हैं। अभी तक बीमार? लेकिन महारानी राजमहल में है भी। हमें भी इसमें शक है। अच्छा, कल्याण में। समझ में नहीं आता, राजगुरु ने क्या जाल फैलाया है। यह ऐसा है, महारानी मिल गई। मिल गई? हाँ, श्री चंडिके की कृपा। उन्हें ले आए? वो जंगल में है। माधवगुप्त भी उनके साथ है, लेकिन वो यहाँ आना नहीं चाहती। आना नहीं चाहती?
महारानी आना नहीं चाहती? उन्हें राजमहल में आना ही चाहिए। जाओ पालकी तैयार कराओ और थोड़े से धनुषधारी साथ लेते चलो। जल्दी करो। श्री चंडिके की इच्छा। आरजू ए दिल आया करने के भी काबिल नहीं। हायत से महारानी की आज्ञा बिल्कुल ही भूल गया था। दास को क्षमा कीजिए, अभी लाता हूं। जिया मोरा ना बिसारे, जिया मोरा ना बिसारे, जिया मोरा ना बिसारे, वाही thank you।
रानी। तुम्हें आनंद से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। श्री चंडिके की कृपा। माधवगुप्त कहाँ है? दिखाई नहीं देता। मैं नहीं जानती। मैंने सुना था कि वो तुम्हारे साथ है। सुना होगा। तो कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। रानी, ऐसे घोर अपराधी की रक्षा करना ठीक नहीं। माधवगुप्त अपराधी? हाँ, उसके पिता ने तेरे पिता का खून किया, ये भूल गई? तो उसमें माधवगुप्त का क्या कसूर? बाप के कुकर्म का फल बेटे को भी भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का मत है और रिवाज भी ऐसा ही है। शास्त्र, रिवाज, बाप के कुकर्म का फल बेटा भोगे। बेकसूर को सजा दिलाने वाले शास्त्र के मत को और रिवाज को भाड़ में झोंक दो। ठीक, तुम राजमहल में चलो, तुम्हारे दर्शनों के लिए सारी प्रजा बेचैन हो रही है। मुझे वहां नहीं जाना। नहीं जाना? तख्त नशीन महारानी ऐसी जिद करेगी तो कैसे काम चलेगा? दुनिया क्या कहेगी? पालकी लाओ। चलिए। क्या आप मुझे हुक्म दे रहे हैं? मैं साफ कह देती हूँ कि मुझे राज सिंहासन की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं, मगर सिंहासन के लिए हमें महारानी की जरूरत है, इसलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जल्दी भागो, देखो इधर आए, भागो जल्दी। वो कौन? राजगुरु, कैसे भागो ना, देखो आए, ये जल्दी से आए कहीं छिप गया। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम? देखा जाएगा, मगर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? जहाँ होगी वहीं मिलूंगा। चलिए राजगुरु, मैं तैयार हूँ। तुम अभी किससे बातें कर रही थी? किसी से भी नहीं। ठीक, विश्वासगुप्त, घेर लो सब जंगल को, और माधवगुप्त जिंदा या मुर्दा जिस हालत में मिले दरबार में हाजिर करो। रानी को होशियारी से ले चलो।
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, कल्याण हो। प्रभु, आपके मठ में मेरी बहन सुमित्रा कुशल से तो है। महामुनि सिद्धार्थ तेरा मंगल करें। तेरी बहन यहां से चली गई। कहां? हमने उसे अवंती के राजमहल में देखा है। आजकल वो पागल हो रही है। क्या कहा? सुमित्रा पागल हो गई? क्या वो राजमहल में है? माधव, लेकिन सावधान, राजमहल में जाने की हिम्मत सोच समझ कर करना। कल्याण मस्तु। जा, प्रधानमंत्री को बुला कर ला। जाती नहीं? महारानी, राजगुरु की आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या? राजगुरु की आज्ञा? श्री चंडिके की इच्छा। रानी, दासी सच कहती है। लेकिन ऐसी आज्ञा देने वाले आप कौन? मैं कौन? माँ की तरह तुझ पर ममता रखने वाला, पिता की तरह तुझे सच्चा रास्ता बताने वाला, तेरा पालक, तेरी भलाई चाहने वाला। भलाई चाहने वाला या बुराई चाहने वाला, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनना चाहिए, सुनना ही पड़ेगा। सुनना ही पड़ेगा? रानी का अपमान करते हो? अवंती के सिंहासन का मान रखने के लिए रानी का मान किसी हद तक ही किया जा सकता है। तो इस राजमहल में मैं रानी नहीं, एक मामूली कैदी हूं। विश्वासगुप्त, रानी को समझा बुझाकर सीधे रास्ते पर लाओ, और देखो वो यहां से कहीं जाने न पाए। हाँ रानी, तबीयत ठीक होने तक तुम महल से बाहर न जा सकोगी। इसके क्या मानी? श्री चंडिके की इच्छा। श्री चंडिके की इच्छा? बहुत बहुत मिश्री चंडिके की इच्छा। चंडिका देवी, आप इस बर्पन को। दिल पे गम का बार Thank you.
माधवगुप्त की बहन सुमित्रा। माधवगुप्त की बहन? ये यहाँ कैसे? किस्मत से। महायज्ञ के दिन की गड़बड़ में आप दूसरी जगह चली गई और आपकी जगह ये यहाँ फूल से ले आई गई। भैया, मैं रोना चाहती हूँ, जी भर कर रोना चाहती हूँ। रोऊं क्या? दिल हुआ टुकड़े तो पहले वार में, फिर भी दिया। सुमित्रा, तेरा भाई जिंदा है। क्या? मेरा भाई जिंदा है? मेरा भाई जिंदा है? हाँ हाँ, है जिंदा, लेकिन वो कहाँ जानती है तू? हाँ हाँ जानती हूँ। कहाँ? ईश्वर के पास, वहाँ भाई है, पिताजी हैं, सब घर के आदमी वही हैं, तो मैं भी वही जाऊंगी, मगर मुझे कौन ले जाएगा वहां? हाँ हाँ, मैं उस रानी से ही कहूंगी, उसी कमबख्त ने मेरे पिता को कत्ल करा दिया, भाई को बलि चढ़वा को ईश्वर के पास भेज दिया, तो मुझे ही अकेली क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों नहीं मार डालती? तू भी होशियार रहना, नहीं तो तुझे भी खा जाएगी राक्षसी। सबको खाने के लिए ही बैठी है, जहरीली नागिन बड़ी जालिम है, दुष्टा चुड़ैल चंडाल। महारानी, महारानी, ये क्या? यूं रोने से क्या होगा? इस कैद खाने से छूटना नहीं चाहती। महल में चारों तरफ राजगुरु के आदमियों का पहरा है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं बताऊं? लेकिन तू भी तो राजगुरु का ही आदमी है। सच?
लेकिन महारानी, आपका नमन मुझे आपकी मदद करने के लिए मजबूर करता है। विश्वास को, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, बता मैं क्या करूं? कपट, धोखा, राजगुरु पर धोखे से ही कब्जा करना चाहिए। धोखा? मैं धोखा करूं? नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा, होगा ही नहीं। महारानी, इस वक्त पाप पुण्य का विचार करना अच्छा नहीं। कपटी के साथ कपट करने में कोई पाप नहीं। समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के वक्त भगवान विष्णु ने भी मोहिनी का कपट रूप धरकर कपटी दैत्यों को फंसाया था। को अमृत बांटती है, यह राहु नाम के राक्षस की समझ में आता है। रूप पलटकर वह देवताओं के बीच में जा बैठा। अमृत बांटती हुई मोहिनी को चंद्र और सूर्य ने उसका धोखा जताया। स्वयं देवताओं को भी कपट करना पड़ा तो आदमी की क्या अभिशाप? तो भी मैं वो नहीं करना चाहती, सीधे रास्ते से। क्षमा कीजिए महारानी, पाला किससे पड़ा है मालूम है? महाराज के खूनी के सहारे। तो क्या पिताजी का खून राजगुरु ने किया? खुद नहीं किया, करवाया है, इसलिए ऐसे धोखेबाज के साथ धोखेबाजी करनी ही चाहिए। बस यही एक बच निकलने की तदबीर है। तो तबीयत को ठिकाने रखिए और चाहिरा राजगुरु की हां में हां मिलाती रहिए, तभी इस कैदखाने से छुटकारा होगा। फिर यहां से छूटकर एक बार बाहर निकलने पर सारी प्रजा आपके साथ होगी, उसकी मदद से आप राजगुरु का मुकाबला कर सकेंगी। विश्वास, तू मेरा सच्चा मददगार है। बस यार, इसलिए राजगुरु के कहने पे चलना आपके लिए बेहतर होगा। राजगुरु, मेरी आंखें अब खुली, मैं समझी कि मेरे माता पिता की जगह अब आप ही हैं। जिस तरह आप कहें मैं करने को तैयार हूं। श्री चंडिके की कृपा, वो तुम्हारा कल्याण करेंगी। फिर भी तेरू
यह कौन? माधवगुप्त की बहन विश्वासगुप्त, सुमित्रा को राजमहल के बाहर छोड़ दो, अपने आदमी उसके पीछे रखो और कह दो कि जिस वक्त माधवगुप्त उससे मिले दोनों को गिरफ्तार करके हाजिर करें। कल्याण। सुमित्रा के साथ अपने ही आदमी भेजो, वो माधव से कह दे कि राजमहल में आने का साहस न करे। आज्ञा। इस भोग अपने कर्मों को श्री चंडिके की कृपा। महारानी, आखिर बागी पकड़ा ही गया? हाँ, पकड़ा गया। अब देवी की बलि भी? हाँ, देवी की बलि भी। कल देवी का बलि यज्ञ करने के लिए महारानी की आज्ञा तो होगी? हाँ हाँ, क्या हर्ज है? जाओ इसको यहीं कहीं बंद कर दो। विश्वास, विश्वास, अब क्या किया जाए? महारानी निराश न हो, बुद्धिमानी से काम लो। आप और माधवगुप्त को आज ही महल से बाहर निकल जाना चाहिए, कल होने वाला अनर्थ तभी रोका जा सकता है। लेकिन राजगुरु के आज्ञा पत्र बिना महल से बाहर निकलना नामुमकिन है। अच्छा, मैं खुद ही देखती हूँ। कल के यज्ञ के बारे में आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ,
उसी के लिए मैं भी आज्ञा पत्र लिख रहा था। क्या पूछना है? मैंने सुना है कि बौद्धों ने लोगों को बलि यज्ञ के खिलाफ भड़का दिया है, शायद वो कुछ रुकावट डाली। उसकी चिंता न करो, सब रुकावटों को ठुकरा कर मैं नरबली और पशुबली का यज्ञ जरूर पूरा करूंगा। मैं इसी फिक्र में थी, मेरे ख्याल में कल सेना तैयार रखनी चाहिए। मैंने सब ठीक कर लिया है, बस तुम्हें जाती हूँ। श्री चंडिके की इच्छा। महारानी, आज्ञा पत्र होते हुए भी इस लिबास में आपको? उसकी फिक्र न करो, मैं मर्दाना लिबास ही करती हूँ। हाँ जल्दी करो। रानी मोहिनी कहाँ है? महारानी अभी यही थी। रानी का पता लगा? आज्ञा। हाँ चलो अब माधवगुप्त को छुड़ाओ। लेकिन वहां के पहरे वाले? पहरे वाले? लेकिन पहरा कब बदलता? वक्त तो यही है। ठीक, लेकिन आज पहरे वालों का गुप्त शब्द क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल, उधर मुंह करके पहरा नहीं किया जाता। लग गया क्या? अच्छा रो मत, खा लड्डू। हैं? अरे माशूक पहरे वाले, राजगुरु को मैंने अपने महल में बंद कर रखा। तो उसके छूटने से पहले हमें राजमहल से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ ये लीजिए आज्ञा पत्र, जल्दी कीजिए। तू आगे चल, हम आइए। आज्ञा।
पुरुष का वेश बनाकर भी स्त्री की चंचल बुद्धि नहीं छोड़ी। रानी को राजमहल में और माधव को कैदखाने में सख्त पहरे में रखो। जाओ। कल सुबह माधवगुप्त की बलि सुबह सेनापति सब धनुषधारियों को तैयार रखो। कह दो वक्त आने पर बिल्कुल दया माया न करें। आज का यज्ञ पूरा होना ही चाहिए। आज्ञा। आप फिक्र न करें। नरबलि के लिए उस माधवगुप्त को लाओ। राजगुरु ने कितना बड़ा जुल्म किया, एक घर का सत्यानाश कर डाला। देवताओं के लिए, धर्म के लिए, धर्म और देवताओं के सामने रहम कैसा? कैसा देवता और कैसा धर्म? क्या कभी देवताओं ने भी बलि मांगी? देवताओं के लिए नहीं, नहीं, राक्षसी रिवाजों की भूख बुझाने के लिए। रिवाज, इन राक्षसी रिवाजों का खात्मा होना ही चाहिए, नहीं तो सारी समाज का खात्मा हो जाएगा। सारी समाज का खात्मा हो जाएगा। हाय हाय, कैसी बिचारी की हालत, और न मालूम रानी का भी क्या हाल किया। लोगों, तुम्हारी रानी इस वक्त सख्त मुसीबत में है। धर्म के अंधे राजगुरु ने उसे कैद खाने में बंद कर रखा है। शायद वो उसी भी मौत के घाट उतार दे। चलो दौड़ो, राजमहल पर धावा बोल दो, महारानी की रक्षा करके अपना फर्ज अदा करो, नहीं तो राजगुरु शहर भर को जाकर खा कर देगा। चलो चलो, चलो। बहादुरा दौड़ो, राजमहल पर धावा बोल दो, रानी की रक्षा करो, अपना फर्ज अदा करो। चलो दौड़ो, पागल राजगुरु से रानी को बचाओ। चलो दौड़ो, रानी और माधवगुप्त को बचाओ। राजगुरु, लोगों का झुंड महल के ऊपर टूट पड़ा है। क्या? चारों तरफ धनुषधारी बेदर्दी से बाण वर्षा करें, बिल्कुल दया न करें, कोई भी अंदर न घुसने पाए। आज्ञा। हाँ, चलो जल्दी करो।
अभी? मोहिनी, कायरो, मरने से डरते हो? एक अबला केलाने वाली स्त्री भी जान हथेली पर रखकर मौत से भिड़ गई, और तुम मर्द होकर भी पीठ दिखाकर भागे जाते हो? लालच है तुम्हारे जीने पर, महारानी के प्राण संकट में हैं। अगर मर्द परे के कुछ ला जाते हो तो जान पर खेल जाओ, जुल्म की बुनियाद मिटा कर नाम अमर कर लो। मौका है, बुझो, आगे बढ़ो और तोड़ दो दरवाजा। बढ़ाओ यहां से, हट जा। धर्म के काम में गड़बड़ करेगी तो अनर्थ हो जाएगा। सबकी जान का भूखा राक्षस। राक्षस? हाँ राक्षस, और खूनी। मैं खूनी? हाँ तू खूनी, मेरे पिताजी का खून तूने ही किया चांडा, मुझे सब पता लग गया। पता लग गया ना, ठीक हुआ। धर्म में दखल देने वालों को मैं ऐसी ही सजा देता हूँ, चाहे वो राजा या रंक कोई भी हो। तुझे अपनी जान प्यारी हो तो एक तरफ हट जा। हरगिज नहीं। श्री चंडिके की इच्छा, देखते क्या हो, हटा इसको। श्री चंडिके। विश्वास, जैसी बनी तेरी सेवा की, कोई अपने स्वार्थ की इच्छा न की। धर्म की रक्षा के लिए न्याय अन्याय कुछ न देखा, फिर भी अभ्यास अधर्मियों और नास्तिकों की विजय। नहीं नहीं, अब अपनी ही बलि देकर तुझे संतुष्ट करता हूं। माता, अब जैसे भी हो पर इन अधर्मियों के पापी प्रयत्नों का नाश कर।
था रिवाजों का सच्चा गुलाम, आखिर अपनी ही बलि दे दी। लोगों, देवी के यज्ञ की यही आखिरी बलि है। आइंदा से ये रिवाज बंद किया जाता है। सुमित्रा, बहन, बहन, अरे मैं तेरा भाई। भैया, मेरी बहन। मुहूर्त देखकर तेरी भी शादी कर दूंगा। दूल्हा कौन मालूम है? कौन? हाहाहाहा